जालौन में अष्ट धातु की मूर्तियां चुराने वाले चार अभियुक्त हुए गिरफ्तार। चोरी की गई मूर्तियों को पुलिस ने किया बरामद। मंदिर का ताला तोड़कर की थी चोरी। अब जान लीजिए पूरा मामला क्या है। जालौन में 15 दिन पहले कदौरा इलाके के ग्राम मरगाया में चोरों ने प्राचीन मंदिर से राम, जानकी और लक्ष्मण की अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी कर ली थी। इस मामले का कल जालौन के पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी करने वाले चार साथ चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अष्ट धातु की मूर्तियां भी बरामद की गई हैं। पकड़े गए चोर मूर्तियों को बेचने की फिराक में थे, इसलिए उन्होंने मूर्तियों को टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। पुलिस ने जिन चोरों को गिरफ्तार किया है उसमें एक महिला भी शामिल है। SP रवि कुमार ने बताया कि 29 दिसंबर को कदौरा थाने के भेड़ी खुद के रहने वाले गोविंद सिंह पुत्र सुगर सिंह ने कदौरा थाने में तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि 28 दिसंबर की रात को अज्ञात चोरों ने मरगया स्थित मंदिर से राम, जानकी, लक्ष्मण की अष्ट धातु की मूर्तियों को चोरी कर लिया है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी और क्षेत्र अधिकारी कालपी के नेतृत्व में कदौरा थाना पुलिस एवं SOG वहां सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को लगाया गया था, जिसके चलते टीम ने साक्ष्यों को एकत्रित किया। पकड़े गए चोरों ने बताया कि वह लोग मरगया मंदिर में आए थे तो पता चला कि मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं उनकी कीमत करोड़ों में है। फिर वह लोग मंदिर में बाबा जी से मिले एवं मंदिर की भूमि को बलकट पर लेने की बात करके वहां रुक गए। रात में मौका पाकर उक्त लोगों ने मंदिर का ताला तोड़ा और मूर्तियां चुराकर मोटरसाइकिल से भाग गए। वह लोग मूर्तियों के अंदर हीरे जवाहरात होने की बात पर दो मूर्तियों को काटकर देखा, लेकिन उनमें से कुछ नहीं निकला। इसके बाद उन मूर्तियों को पांडु नदी में फेंक दिया था। आप क्या सोचते हैं इस प्रकार की घटनाओं के बारे में, अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। जालौन से ASM न्यूज़ के लिए अखिलेश समाधिया की रिपोर्ट। धन्यवाद।